Let's begin with what? Customs. Okay, let's begin with customs. Okay, customs won't take much more time. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर. मेजोरिटी प्रोसीजरल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है सर. नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस में देखेंगे तो कस्टम्स का सिलेबस बड़ा है, क्लियर, पर टाइम बहुत कम लगता है इसके अंदर. टाइम बहुत कम लगता है सर. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ वॉट? कस्टम्स एक्ट 1962. कस्टम्स एक्ट 1962. ओके, सुनना सर. अरे ओ, कस्टम्स कभी पढ़ा है क्या आपने? आवाज नहीं आ रही है. कोई आइडिया? पक्का नहीं? डन. तो एक काम करो, बुक्स लाए आप लोग, बंद करो, जल्दी बंद करो, बंद, जल्दी बंद. यस सर, अमन भाई, बुक्स बंद. ओके सर, कस्टम पढ़ने से पहले, कस्टम्स पढ़ने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताएंगे. क्या बताएंगे? कि कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स. कस्टम चार्ज हुआ है. कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स. कस्टम चार्ज हुआ. याद आया क्या आपको? आवाज नहीं आ रही ढंग से, आवाज नहीं आ रही. ओए, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? वापस फटाफट. टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स. चार्ज हुआ है. क्या कस्टम्स का क्रेडिट मिलता है क्या? आवाज नहीं आ रही है. कस्टम्स का क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट 3-1 और 3-5. वो भी कब? अगर इंडिया में एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा तो 3-1 का मिलेगा, अगर इंडिया में वेट का क्रेडिट मिलेगा तो 3-5 का मिलेगा. दोनों का मिलता है तो दोनों का मिलेगा, दोनों में से एक का मिलता है तो एक का मिलेगा. बात समझ में आएगी नहीं आई? और दोनों का नहीं मिलता है तो किसी का नहीं मिलेगा. तो मतलब आपको यहां तक पिक्चर समझ में आ गई कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हो रहा है. तो एक बार फिर से बताना, ये कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स. कस्टम चार्ज हुआ है. हाँ है ना? पक्का? अच्छा, मैंने अजम्पशन लिया है, आपको कुछ भी नहीं आता है कस्टम में, पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लियर. और प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हम बात करें तो कस्टम्स का भी एक्सपोजर हमें नहीं मिलता है आर्टिकल टाइम में नॉर्मली. तो कुछ को मिला होगा भले, नो डाउट, बट सर मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलता एक्सपोजर इसका. ओके, ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड ऐसा ही है सर. वेट का हो सकता है मिला हो एक्सपोजर आपको, वेट का मिला होगा, फिर भी आपको इनकम टैक्स का मिला होगा, ऑडिट का मिला होगा, पर एक्साइज, कस्टम्स इसका तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है. सर्विस टैक्स में मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी ज्यादा नहीं मिलता है. ओके, इसलिए मेरे को इन टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली पढ़ाना बहुत जरूरी है सर, क्लियर. अच्छा, जैसे हमने अभी एक्साइज खत्म किया, क्या एक्साइज में कोई भी पॉइंट ऐसा है जो दूसरे पॉइंट से मिक्स हो रहा है? नहीं, क्लियर. आपको क्लियरली बताया कि ये पॉइंट ये कहता है, ये पॉइंट ये कहता है. ऐसे ही सेम वे हर एक टॉपिक आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या कहता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट? आवाज नहीं आ रही है. कस्टम्स. तो सर कस्टम्स पढ़ते वक्त, क्या पढ़ते वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए? कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ? नो डाउट, एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ, पर फिर भी एक बार हम एक बार देख लेते, वापस रिवाइज कर लेते कि मैंने उस दिन आपको क्या पढ़ाया था कस्टम के रिगार्डिंग. सो दैट अगर आप मान लो कोई पहली बार भी कस्टम पढ़ रहा है, एक्साइज नहीं पढ़ा, तो भी आपको समझ में आएगा कि कस्टम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ओके, तो सर लेट्स बिगिन विथ वॉट? कस्टम्स. ओके, मान लो ये क्या है? डीजी. डीजी मतलब डोमेस्टिक गुड्स. ये क्या है? आईजी. आईजी मतलब इंपोर्टेड गुड्स. मान लो कोई गुड्स आपने, मान लो कोई गुड्स आपने हिंदुस्तान में बनाई, ऑन एन एवरेज यहां वैल्यू ऑफ गुड्स आता है 1000 रुपीज. कितना आता है? अब वही गुड्स अगर अमेरिका में बनेगा, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोडक्शन होता है, टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड है, क्या वहां पे भी वैल्यू ऑफ गुड्स उतनी आएगी क्या? तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना आएगा? वहां आया मान लो कितना?
800। सर सेम गुड्स जो इंडिया मिल रहा है 1000 में, वही गुड्स अमेरिका से आ रहा कितने में, 800 में, आप कौन सा खरीदेंगे? डेफिनेटली 800 वाला, हाँ है ना, क्लियर। अब हिंदुस्तान का हर आदमी अगर वो 800 वाला गुड्स खरीदने लग गया तो डोमेस्टिक मार्केट लग गई, फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉवर्टी, पॉवर्टी तो अल्टीमेटली इरेडिकेशन वगैरह, भूखमरी होगी। अब आदमी साहब क्या करेगा, चोरी करेगा, चोरी करने पास के गांव में गया, वहां आदमी पहले से रो रहा था क्लियर, और 500 रुपये दे के आया, अरे हाँ है ना, घर पे आके बीवी ने और मारा उसको क्लियर। अब सर चोरी भी करोगे तो कहाँ करोगे, ऐसी जगह जाओगे ना जहाँ पे लोग अमीर है और इंडिया के सारे लोग गरीब है, तो कहाँ जाओगे आप? अमेरिका के लोग बहुत कमा रहे हैं, चलो डेवलप्ड कंट्री है, अभी डेवलप करेंगे इसको अंडर डेवलप्ड, क्लियर सर? क्लियर। तो आप लोग क्या बन जाओगे, टेररिस्ट, अरे हाँ है ना, क्लियर। बहुत सारे लोग पीछे से बोल रहे हैं यस सर वो जिंदगी ज्यादा बेटर है ऐसी ये करने से, तो सर अरे हाँ है ना सर, सर कम से कम वहां पे ये तो सीखेंगे कि बंदूक कैसे बनाते हैं, बम कैसे बनाते हैं, या तो सर टैक्स सीख भी रहे पर हमें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है आखिर, क्लियर। वहां बम बनाना सीखेंगे तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा, इधर सर सब्जेक्ट पढ़ते बस समझ में आता है कि पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे समझ नहीं आता, क्या पढ़ रहे पता नहीं बस पढ़ रहे हैं, अरे हाँ है ना, अरे क्या हाँ, अरे नहीं समझ आ रहा है कैसे पढ़ते हैं, नहीं आ रहा है, मैं ये चाहता था आपको नहीं आया, ओके। अब साहब सुनना, तो सर अल्टीमेटली आप लोग क्या बन जाओगे, टेररिस्ट, खैर आप में से कुछ लोग तो लगते भी हो। अब सर अब सर पॉइंट ये है सर कि यार इन केस अगर हर आदमी वो 800 वाला गुड्स खरीदने लग गया तो मामला गड़बड़, अब गवर्नमेंट करेगी तो क्या करेगी, क्या करेगी सर, इक्वलाइज करेगी, इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, और गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज किया कितना 200। देखो 200 मैंने जस्ट एस्टिमेट अमाउंट लिखा है, इस तरह से रेट्स ऑफ ड्यूटी फिक्स होती है कस्टम के अंदर, ओके, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग इस तरह से रेट्स फिक्स होती है, एवरेज बात करते हैं कितना एवरेज कॉस्ट बनता है, इक्वलाइज करने के लिए कितना रेट लगाना है, ओके तो सर कितना हो गया 1000, यहाँ कितना है 1000, बात खत्म, आया ना इक्वलाइज हो गया। अब हिंदुस्तान में जो गुड्स आपने बनाया है उस पर क्या लग जाएगा, एक्साइज, मान लो एक्साइज रेट कितनी है 10% कितना होता है 100, टोटल 1100, हाँ है ना क्लियर। अब साहब कौन सा खरीदोगे आप, इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि इंडिया में जो गुड्स बनता है उस पर क्या लगता है एक्साइज, अमेरिका में बनता उस पर एक्साइज लग नहीं सकता, इसलिए अगेन गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 31 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, कितना होगा वो जो रेट एक्साइज की होगी वही रेट कस्टम की 31 की होगी, हाँ है ना, कितना होगा 100, टोटल 1100, हाँ है ना, अरे पक्का, यस सर। अब साहब हिंदुस्तान में आपने गुड्स बनाया, बेचा, बेचने में क्या लगता है सेल्स टैक्स, वेट, मान लो वेट लगा आप महाराष्ट्र में हो भी, एम वेट लगा रेट कितनी है मान लो 5%, कितना होता है 55, टोटल 1155, अरे क्लियर। अब सर यहां वेट लग गया, वहां तो 1100 में ही है क्योंकि वहां वेट लग नहीं सकता, ये इंटरनेशनल परचेस है, इंट्रा स्टेट या इंटरस्टेट परचेस तो है नहीं, क्लियर। तो अल्टीमेटली आप लोग कैंडल मार्च करने पहुंच गए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ, याद आया आपको, अरे हाँ है ना क्लियर, अपने लंच करके उनको बोल रहे भूखे रहो, क्लियर। अब साहब पॉइंट ये है, सिंस इंडिया में वेट लगता है, सेल्स टैक्स लगता है या अदर लोकल टैक्स लगते हैं, उनको इक्वलाइज करने के लिए अगेन गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 35 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। पर सिंस हर स्टेट में वेट की रेट अलग अलग होती है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट होती है, अब हर स्टेट का गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करे, इसलिए यहां पे रेट कर दी कितनी, फिक्स कर दी कितनी 4%, आपके स्टेट में वेट एग्जम्प्ट भी है तो भी 4% लगेगा, आपके स्टेट में अगर रेट 20% भी है वेट की तो भी 35 कितना लगेगा 4% लगेगा, फिक्स कर दी कितना होता है 44, हाँ है ना, अरे पक्का। पर सिंस ये पार्टी कहां से आ रही है, कहां गए थे, आम आदमी पार्टी ऐसा, अरे ओए पॉइंट है सर। अब साहब
कस्टम जो चार्ज हुआ है क्यों चार्ज हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है अब 31 लग गया 35 लग गया अब कस्टम पे क्या लगता है सेस लगता है पर 35 पे सेस नहीं लगता इसलिए 35 से पहले ही सेस लग जाता है और सेस यहां ऊपर लग जाएगा इसी एंड एचएस इसी कितने पर अरे 3% ऑफ 300 हाँ है ना कितना होता है 9 टोटल 1109 और इसका 4% लगेगा ध्यान रखना क्लियर कितना होता है 44.36 टोटल 1153.36 विल बी टोटल अमाउंट हाँ है ना क्लियर सर तो कस्टम चार्ज क्यों हुआ आवाज नहीं आ रही क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है क्लियर पक्का क्या कस्टम का क्रेडिट मिलता है क्या किसका मिलता है कस्टम क्रेडिट नहीं मिलता एक्सेप्ट 31 और 35 क्योंकि सिंस हिंदुस्तान में एक्साइज क्रेडिट मिलता है इसलिए 31 का मिलेगा अगर हिंदुस्तान में वेट का क्रेडिट मिलता है तो 35 का मिलेगा दोनों का मिलता है तो दोनों को मिलेगा दोनों में से एक का मिलता है तो एक का मिलेगा किसी का नहीं मिलता है तो किसी का नहीं मिलेगा बात समझेगा मेरी आप हाँ है ना अल्टीमेट एम कस्टम का क्या है टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है हाँ है ना क्लियर ये मैंने बात जो अब तक पढ़ाई थी वो मैंने रिवाइज करा दी है ना एक्सरसाइज के टाइम पे असाइनमेंट पढ़ते वक्त ये बात आई थी तो मैंने बताई थी उस टाइम ये मैंने वापस से रिपीट कर दिया तो सर मतलब हम एक तरह से कस्टम शुरुआत से पढ़ रहे पूरा ये पॉइंट भी बाकी था पहले पढ़ा दिया था मैंने वापस पढ़ा दिया आपको ओके तो मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है क्या कस्टम का क्रेडिट मिलता है क्या तो किसका मिलता है 31 और 35 का मिलता है वो भी कब अगर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज का क्रेडिट मिलता है तो मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा बोलो हां पक्का डन तो कस्टम का क्रेडिट मिलता है क्या आवाज नहीं आ रही है एक्सेप्ट अच्छा कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है ओके डन अब इधर ध्यान अब एक बात ध्यान रखना कितनी बात कि जिंदगी में जब जब भी कस्टम्स की बात आएगी हम केवल एक बात याद रखेंगे क्या केवल एक ही बात याद करोगे क्या हम बहुत सारी बातें याद रखेंगे पर उसमें से एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे पर उसमें से एक बात दिमाग में रखेंगे कहां पर अरे जल्दी कहां पर लड़किया घुटनों पे हाथ रखो क्लियर है सर अब पॉइंट ये है सर अच्छा घुटनों में भी नहीं है सा ओके सर अब पॉइंट ये है कि इन केस अरे साहब इनको तो दिमाग की जरूरत भी नहीं है मतलब या आई नो कि सर ओके सर सर आई डू रेस्पेक्ट गर्ल्स ओके अब पॉइंट है अरे सॉरी सर ओके सुना बात को अब पॉइंट है सर कि यार एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर कोई भी टॉपिक पढ़ लेना कस्टम का पर अगर बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा ये आइडिया रहा कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ अगर ये बात बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रही तो लिटरली कह रहा हूं ये कस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ओके ये भी फास्ट रिवाइज होगा पूरा आपका अग्रीड डन पक्का तो कस्टम चार्ज क्यों हुआ ओके डन अब सर एक काम करते हैं सिंस आपने और मैंने कभी कस्टम तो पढ़ा नहीं है देखो आपने पढ़ा है क्या आपको कुछ आता है क्या तो मेरे लिए इजी हो गया काम क्योंकि अब मैं जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा ऐसा आपको लगेगा क्लियर सर इसलिए बुक्स बंद ध्यान इधर अब सर बात करते हैं अब हम एक कस्टम्स की पूरी पिक्चर देखते हैं यार कस्टम्स का पूरा कहानी पूरी बात करते हैं कस्टम्स की कि हाउ कस्टम्स ऑपरेट ठीक है एक बार एक पूरा आइडिया ले लेते कि होता क्या है कस्टम्स पूरा कस्टम्स का ओवरव्यू और प्लीज सर नेक्स्ट हाफ एन आवर और वन आवर जो भी मेरे को लगे यहां पर पूरा ध्यान देना सर लगभग 50% से ज्यादा कस्टम अभी खत्म हो जाएगा नो डाउट हर एक लाइन वापस पढ़ेंगे हम पर एक ओवरव्यू में आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी कस्टम होता क्या है ओके और उसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे तो सर
लेट्स बिगिन विद कस्टम्स. सबसे पहली बात मान लो, अरे मानो ना, समझ में आ रहा है ये क्या है? हाँ सर, सारे जहाज कराची होए पाकिस्तानी होए. अपने अपने मुल्क का नाम मत लो सर. हिंदुस्तान. क्या है ये? हिंदुस्तान. सुनना, भारत साहब, इंडिया और हिंदुस्तान और भारत माँ और क्या बोलते उसको, धरती माँ, बस यही में मातृभूमि. मातृभूमि तो ही है, इस वर्ड को ध्यान रखना 2 मिनट. सर अब सर सबसे पहली बात, कस्टम पढ़ने से पहले सर मान लो, मानो ना अवे, बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है. देखो हमने बात करी थी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है. एक्सपोर्ट्स में तो बहुत रेयरली कुछ गुड्स है जिन पे कस्टम लगता है. क्लियर? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट पे कस्टम नहीं लगाया. तो मेनली कस्टम लगाया किस पर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे. किस पे लगाया सब? इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो सर हमारा भी मेन टारगेट कस्टम का पूरा टारगेट क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट्स इज नॉट द मेन टारगेट ऑफ कस्टम्स. तो मेन फोकस किस पर है? इंपोर्ट. तो अभी हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या है हम कर लेंगे बाद में. अभी किसकी बात करूं मैं आपसे? इंपोर्ट. अच्छा मान लो यहां पे कहीं पे इधर साइड में कहीं सिंगापुर है. क्या है साहब? सिंगापुर. हाँ सर ऊपर है ले बस. हाँ सर तो किधर है? तो चाइना है ना, इसलिए यहां मान लो सिंगापुर है. ठीक है ओके. और बाकी इधर पानी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है सर. ओके बाकी शिफ्ट होता है ना पानी में, तैरता रहता है थोड़ा बहुत. आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता. पॉइंट ये है सर कि यार यहां से सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, कैसे आएगा? बाय वेसल या बाय एयर या बाय रोड? अच्छा बाय रोड. क्या राम भक्त है क्या? कि पानी पानी में पत्थर डालेगा तो भी नहीं गिरे. बट यस, अगर किसी अदर कंट्री से आता है तो इंपोर्ट कैन बी डन बाय रोड, बाय वेसल और बाय एयर ऑल्सो. ओके पर हाँ ऑब्वियसली यहां पर बाय रोड नहीं आ सकता, इसका कॉन्सेप्ट विशाल विराट को समझ में आ गया. ओके सर अब पॉइंट ये, मान लो सिंगापुर से गुड्स आ रहा है. देखो सर सबसे पहली बात, अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ एंटायर कस्टम्स, है ना? कैसे कस्टम्स ऑपरेट होता है सर, क्या प्रोसीजर होगा, क्या कंडीशन है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके सर पर एक ओवरव्यू, प्रोसीजर का ओवरव्यू. मुझे पता है कि इंपोर्ट कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने क्या करना है, आपको नहीं पता होगा. बट यस मैं आपको धीरे धीरे मूव करूंगा, डायरेक्ट करूंगा आपको मैं. एंड प्लीज मुझे आपसे ही आंसर चाहिए कि सर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा. डॉक्यूमेंट का नाम मत बोलना, आप बोलना सर एक रिसीट रिक्वायर्ड होगी, एक एविडेंस रिक्वायर्ड होगा, कुछ भी बोल देना मेरे को आप. क्लियर? पर आप ही मुझे आंसर देंगे सर, और जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना लिटरली कर रहा हूं कस्टम मजा आएगा आपको. ओके देखना ध्यान से. मान लो इधर कहीं सिंगापुर है सर. ओके अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने अपने घर पे कर देना. क्लियर? अब साहब यहां से गुड्स आ रहा है. अच्छा बाय वेसल आए, बाय एयर आए या बाय लैंड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसीजर सबका सेम है. क्लियर? ओके मान लो यहां से गुड्स आ रहा है बाय वेसल आ रहा है. चलो बाय वेसल का हम इमेजिन कर लेते हैं. क्लियर? पॉइंट सबके लिए सेम है. देखो आ रहा है, अरे देखो ना आ रहा है ना, आ गया. कहां पे आएगा? सबसे पहले कहां पे आएगा? पोर्ट पे आएगा ना. क्लियर? मान लो जैसे, मान लो इंडिया के अंदर 4 नोटिफाइड पोर्ट है, मान लो वैसे बहुत सारे मुझे पता है. हाँ हाँ आप अपना अपना नाम रख देना. अभी सुनना सर, देर आर 4 कस्टम्स स्टेशन. क्लियर? वैसे तो बहुत सारे होंगे नो डाउट,
अभी मान रहा हूं चार नोटिफाइड पोर्ट है, अरे क्लियर, तो वेसल कहां पे आएगा? अरे कहां पे आएगा? अरे पोर्ट पे आएगा ना। अरे ऐसा थोड़े कस्टम ऑफिसर पूरी इंडिया की बाउंड्री के खड़े कि हां सर आन दो, या ये वाला मेरा, ये वेसल मेरा है सर आन दो, ऐसा थोड़े होता है सर। क्लियर? सो वेसल कहां पे आएगा? तो सबसे पहले पोर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, सबसे पहले पोर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट डन। सीबीसी हैज पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू फिक्स द पोर्ट और एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन जहां पे गुड्स आएगी, वेसल एयरक्राफ्ट आएगा या जाएगा, जहां पे गुड्स अनलोड होगी और सर जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक प्लेस, जहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट विल टेक प्लेस। हाँ है ना? क्लियर? ओके। तो सर अभी हम इंपोर्ट का प्रोसीजर देख रहे हैं। सबसे पहला आपने स्टेप क्या बोला सर? फिक्सेशन ऑफ पोर्ट्स एटसेट्रा। हाँ है ना? जैसे अदानी के पोर्ट बन रहे, भी नाम सुना होगा आपने। क्लियर? तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नरेंद्र मोदी। ओके, अभी बाद में समझेंगे को नरेंद्र मोदी या क्या राज है। यहां तक बात समझे मेरी आप? अरे हाँ है ना, पोर्ट वगैरह अपॉइंट हो गए। अब वेसल कहां पे आएगा? अरे कहां पे आएगा? क्या वेसल या एयरक्राफ्ट यहां पे लैंडिंग कर सकता है क्या? यहां लैंडिंग कर सकता है क्या? नेवर। कहां पे आएगा? तो सर ये था हमारा सेक्शन 7। क्लियर? पोर्ट अपॉइंट हो गए, उसके बाद कहां पे आएगा वेसल? कहां पे आएगा? सेक्शन 29 आपने पढ़ा दिया मेरे को। क्लियर? कि सर अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली, द प्लेसेस विच आर अपॉइंटेड बाय सीबीसी अंडर सेक्शन 7। क्लियर? जो पोर्ट एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन नोटिफाई किया है वहीं पे आना है, और एनी अदर प्लेस विच में बी नोटिफाइड बाय सीबीसी वहां पे वेसल या एयरक्राफ्ट आ सकता है। क्लियर? उसके अलावा किसी और प्लेस पे लैंडिंग नहीं कर सकता है। बात समझे मेरी आप? अरे 100%, यस सर, ध्यान रखिएगा ध्यान से। ओके, अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली। ओके, अब साहब वेसल कहां पे आएगा? यहां पे नहीं आ सकता। कहां पे आएगा? मान लो मुंबई पोर्ट पे है, मान लो यहां पे मुंबई है सर, मुझे नहीं पता कहां है, पर हाँ मान लो यहां पर है। अरे क्लियर? नहीं तो पीछे से ऊपर बोलेगा सर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा साइड में, राइट में। अरे मान लो मुंबई है साहब, ये कौन सा प्लेस है ये? अरे कौन सा? अरे ओए मुंबई पोर्ट, वेरी गुड सर। अब साहब यहां वेसल आया, आ गया, अब क्या होगा? अरे वेसल आ गया, अब क्या होगा? अनलोड करेगा, गुड्स फेंकेगा, भाग जाएगा, ऐसा बम हुए तो अंदर। हाँ मतलब आएगा डाटा, आते ही डाउनलोड, सर डायरेक्ट डाउनलोड किया, सॉरी अनलोड किया और बात खत्म सर। हाँ सर, वेसल आया, क्लियर, गुड्स अनलोड किए, चला गया, ऐसा। तो स्नेहल जी क्या परमिशन फॉर वोट? देखो क्लियरेंस की बात तो इंपोर्टर कराएगा, परमिशन फॉर अनलोडिंग द गुड्स। अरे हाँ है ना, बात समझे मेरी आप? तो सर वेसल जो आ रहा है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा? वेसल। तो वेसल का जो पर्सन इंचार्ज होता है दैट इज कैप्टन वगैरह, है ना? अरे क्लियर? तो अब वेसल में नाम बोल रहा हूं, अच्छा शिप जो था ना वो तो छोटा होता है, वेसल बड़ा जहाज। देखे जैसे आपने वो टाइटेनिक देखा, अरे टाइटेनिक ठीक है ना, वो तो पैसेंजर का था, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, उस पर आइटम नहीं आया था, ठीक है ना? पॉइंट समझ आया तुमको? तुम्हारे लिए बोला था मैंने। ओके सर सुनना, ऐसे पॉइंट जल्दी नोट करता है, हाँ बाकी बाकी नींद उठती नहीं है, हाँ चल रहा होगा। क्लियर? बाकी तुम्हें दर्शन नाम लेता हूं तो भी स्माइल पास नहीं करता है, हाँ जैसे आइटम बोला देखो साहब। ओके अब साहब पॉइंट आता है कि बड़े बड़े जहाज होते हैं वेसल। ओके वेसल्स, ओके तो मैं वेसल बोल रहा हूं, एयरक्राफ्ट लैंड से आ रहा है तो व्हीकल होगा, ट्रक वगैरह तो कोई भी हो सकता है, मैं भी वेसल बोल रहा हूं, प्रोसीजर सबके लिए सेम है। ओके तो पर्सन इंचार्ज ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट वगैरह क्या करेगा सर? एक इंटीमेट करेगा कि सर मैं गुड्स लेके आया हूं, इतने गुड्स लेके आया हूं। हाँ है ना? अच्छा एक चीज और बताओ मुझे आप, एक चीज और बताओ मुझे आप यार, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, ये कस्टम ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा कि मान लो सिंगापुर से वो वन लेक यूनिट लेके निकला था, कितना निकला था? सिंगापुर से 1 लाख यूनिट्स लेके निकला था, मान लो वो इलीगली यहां पर 70,000 यूनिट्स अनलोड कर लेता है,
और यहां पे आके केवल बोलता है मैं 30,000 लाया था और ये लो साहब अनलोड कर लेता हूं। कस्टम ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा कि यार देखो एक बात तो आंसर देने से पहले मुझे कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं चाहिए किसी डॉक्यूमेंट का, क्योंकि डॉक्यूमेंट का नाम नहीं चाहिए। आपको अगर डॉक्यूमेंट बोलना डॉक्यूमेंट बोलिए, नाम मत बोलना उसका, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट का नाम लिया ना सर तो क्या लास्ट तक वही याद आता है यार, यही होगा नाम। डॉक्यूमेंट का टेक्निकल आता भी हो तो मत बोलना प्लीज सर, है ना, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि सही नाम ही हम याद करेंगे सीधा, कंफ्यूजन कभी नहीं हुआ लाइफ में उसे। ओके सर तो मुझे बताओ मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अच्छा देखो मैं आपसे जो अभी बात कर रहा हूँ मैंने अजम्पशन लिया आपको कुछ नहीं आता है, अब जो बात कर रहा हूँ एज अ लेमैन कर रहा हूँ, क्लियर। हम डिस्कशन करें कि क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिसीट होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात करनी है। डॉक्यूमेंट का नाम मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। ओके सर तो 1 लाख यूनिट सिंगापुर से लेकर निकला, मान लो उसने इल्लीगली अनलोड कर दी 70,000 डॉलर यूनिट्स अनलोड कर ली उसने, इल्लीगली स्मगलिंग कर लिया, बाकी 30,000 यूनिट्स ही लाके बोलता कि मैं तो इतना ही लाया था और लो इतना अनलोड कर लेता हूं, तो क्या कंट्रोलिंग है साहब? जब साहब सिंगापुर से निकला होगा तो वहां के कस्टम ऑफिसर ने एक डॉक्यूमेंट या एक लिस्ट दी होगी, उसमें ये लिखा होगा कि हमारे यहां से जब निकला तब इतना यूनिट्स इसके पास था, एक कंप्लीट डिटेल होगी, लिस्ट होगी गुड्स की कि इतना गुड्स इसके पास था, इतना था जब हमारे से निकला, हाँ है ना। वो डॉक्यूमेंट यहां इसको फाइल करना पड़ेगा, क्लियर। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द गुड्स ऑन द बोर्ड द वेसल और एयरक्राफ्ट या व्हीकल, हाँ है ना। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम IGM, क्या बोलते हैं हम, IGM मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, क्लियर। तो सर पर्सन इंचार्ज मतलब कैप्टन वगैरह जो भी है वो क्या करेगा, फाइलिंग ऑफ IGM या IR, व्हीकल केस में IR, IR मतलब इंपोर्ट रिपोर्ट, क्या होता है साहब, IGM मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और IR मतलब इंपोर्ट रिपोर्ट, क्लियर। देखो व्हीकल कब, अच्छा चलो वेसल एयरक्राफ्ट में पर्सन इंचार्ज कौन होता है, कैप्टन पायलट जो पढ़े लिखे होते हैं, हाँ है ना। व्हीकल केस में पर्सन इंचार्ज कौन होता है, ड्राइवर। अब ड्राइवर बोले इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट तो 3 दिन तो बोलने में लगा देगा, इसलिए उसको तो एक काम हो तो इंपोर्ट रिपोर्ट ही बोल दे बहुत इतना, अरे क्लियर। इसलिए व्हीकल केस में इंपोर्ट रिपोर्ट बोला, बाकी चीज होती है एक ही है साहब, अग्रीड। तो सर फाइलिंग ऑफ IGM में IR वो फाइल करेगा, इनफैक्ट IGM तो ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी होता है, वेसल एयरक्राफ्ट आने से पहले ही ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी होता है ना। और जब वो सिंगापुर से निकलता है उसको बोलते हैं EGM, क्या बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो जो डॉक्यूमेंट सिंगापुर के लिए एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट था वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये पर्सन इंचार्ज फाइल करता है। ओके सर पक्का, ऐसे ही हमारे यहां से जो वेसल निकलेगा तो वो क्या फाइल करेगा, EGM एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वेरी गुड, पक्का वो फाइल करेगा जिसको कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करेगा, है ना। कस्टम ऑफिसर सिंगापुर वाले ने वेरीफाई किया होगा EGM को, वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, IGM। IGM कंटेन द कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल द गुड्स एंड ऑल द पर्संस ऑन बोर्ड द वेसल या एयरक्राफ्ट, कितने लोग हैं, कितने गुड्स है उसमें से, कितने यहाँ पे अनलोड होने वाले हैं, कितने पैसेंजर का बैगेज है इसमें से, लगेज जिसको बोलते हैं, अरे हाँ है ना, कितना यहाँ पे अनलोड होने वाला, कितना हो सकता है आगे जाने वाला हो, जरूरत हो ना सारा का सारा गुड्स इंडिया के लिए ही हो सकता है कुछ गुड्स दूसरी कंट्री के लिए भी हो सर, क्लियर। तो उनको बोलते हैं ट्रांजिट गुड्स, क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांजिट गुड्स। ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, हम पढ़ेंगे बाद में सब कुछ चीजें, अरे क्लियर पक्का। ओके साहब फिर अब IGM फाइल हो गया, हाँ साहब वेसल आ गया, IGM भी फाइल कर दिया, अब क्या होगा, वेरी गुड, क्या बोला आपने, क्लियर। सर विकास भाई ने बताया कि कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, क्या वेरीफाई करेगा, वेरी गुड सर, वेरिफिकेशन करेगा कि जो IGM में लिखा हुआ सब कुछ आया कि नहीं आया, इलीगल अनलोड तो नहीं किया, क्लियर, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्लियर सर। ही हैज द पावर टू बोर्ड द कन्वेंस, आस्क द क्वेश्चन रिक्वायर, ही मे आस्क द एक्सप्लेनेशन, मे रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, ये पावर दिया कस्टम ऑफिसर को। ओके अब साहब वेरिफिकेशन कर दिया, एवरीथिंग फाउंड ओके, अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा, अनलोडिंग का परमिशन देगा कौन, कस्टम ऑफिसर,
अनलोड किया, कस्टमर से खुद अनलोड कर लेगा, लो चलो मेरे सब एवरीथिंग ओके, लाओ मेरे को दो गुड्स में उठाता हूं. He will pass an order. क्या पास करेगा? ऑर्डर. किसका? अनलोडिंग का ऑर्डर. उस ऑर्डर को बोलते हैं एंट्री इनवर्ड ऑर्डर. क्या बोलते हैं उसको हम? He will give you an order which is called entry inward order. अब वो order जो मिला है, अरे order मिल गया ना, अब क्या होगा? Unloading होगा. Clear? वहां मजदूर आएंगे, वो उठाएंगे और रख देंगे, है ना साहब? वहां बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं. क्या जी? एंट्री इनवर्ड ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कस्टम ऑफिसर, जिसने वेरीफाई कर दिया कि एवरीथिंग इज ओके, इतनी गुड्स इंडिया के लिए है, नाउ दीज कैन बी अनलोडेड इन इंडिया. ओके, कस्टम ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया कि यस, इतने गुड्स अनलोड करवा दो. अब वहां पे एजेंसी होती है अनलोडिंग वगैरह के लिए. अरे हाँ है ना, अब क्या होगा? अनलोडिंग. तो सर कोई खुले गुड्स नहीं आते बाहर से, बड़े बड़े कंटेनर आते. क्लासरूम देखा आपने? क्लियर? इससे भी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं सर. क्लियर? जितना एक पार्ट नहीं वाला, एक कंटेनर इतना बड़ा होता है, एक और इस तरह का होता है, अलग अलग साइज के कंटेनर होते हैं सर. क्लियर? अब इतने बड़े बड़े कंटेनर, इसमें बहुत सारे गुड्स होते हैं, तो सर कैसे उठाएंगे? दम लगा के ऐसे. बड़ी बड़ी क्रेन होती, देखा होगा आपने. अरे कस्टम बोर्ड में देखा क्या आपने? मूवीज में देखा होगा ना, वो क्रेन से वो कंटेनर उठाएगा. क्लियर? अरे हाँ है ना, याद है आपको? याद आया कि नहीं? वो बड़े बड़े कंटेनर्स, वो मूवीज में देखा होगा, वो हीरो भागता है. क्लियर? सर पीछे विलेन भाग रहा है उसके. अरे हाँ है ना, अरे यस नो, देखा होगा ना आपने कई बार? यस सर. सर उसमें कई बार देखा होगा वो क्रेन से ऊपर कंटेनर लटका हुआ है, कंटेनर गेट खुले हुए, एक तरफ उसकी माँ है, एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है. क्लियर? उड़ा देंगे हम इनको. ध्यान आया आपको? अरे हाँ है ना. फिर वो हीरो एकदम जंप मारता है और यू नो एवरीथिंग. समझ नहीं आता आपको? अरे समझ में नहीं बात आपको? हाँ अच्छा, सोच रहा हूँ कौन था और कौन सी मूवी थी सर. पक्का? तो सर दिस इज हाउ गुड्स आर अनलोडेड. अभी सब क्या होगा? अनलोडिंग होगा. अभी कंटेनर अनलोड हो गया, अब क्या होगा? अरे अनलोड हो गया, अब क्या होगा? कोई वेयरहाउस वेयरहाउस होता ही नहीं कुछ भी. अरे कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और क्या होगा? हाँ है ना. अच्छा मतलब इंपोर्टर पहले से पोर्ट पे बैठा होगा, तीन चार दिन पहले आ गया और वापस से समुद्र किनारे बैठा है. मेरा वेसल आएगा, मेरे गुड्स आएंगे. क्लियर? मेरे करण अर्जुन आएंगे, कंटेनर पैक होके आएंगे, है ना. तो क्या तीन चार दिन पहले से बैठा होगा वहां पे कि वेसल आएगा, समुद्र किनारे बैठा है, पैर लटका के आराम से पत्थर फेंक रहा है. क्लियर? ऐसा तो फिर तो गुड्स अनलोड कर देंगे. जब तक इंपोर्टर नहीं आता तब तक क्या होगा? कस्टम वेयरहाउस होते ही नहीं है, वही रख देंगे ओपन, ओपन फॉर सेल, एनीबॉडी कैन. क्लियर सर? तो इसलिए जब तक कि प्रॉपर ऑर्डर पास नहीं होता है फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, तब तक गुड्स विल बी हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियंस. क्लियर? अब प्रॉपर ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, और उन ऑफिसर को जो इनकी कस्टडी रखते हैं इन गुड्स का, उनको बोलते हैं कस्टोडियंस. क्या बोलते हैं उसको हम? एंड गुड्स विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियंस अंटिल अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, एंड जब तक कि वैलिड ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक दे विल नॉट अलाउ रिमूवल ऑफ गुड्स. हाँ है ना? अरे क्लियर? पक्का? एंड दे विल टेक केयर ऑफ द गुड्स. बात समझे? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, कितना आया, कितना गया, किसको दिया, किसको नहीं दिया. हाँ है ना? क्लियर? अब क्या होगा? गुड्स अभी कस्टोडियन के पास में, अब क्या होगा? अनलोड हो गए, कस्टोडियन के पास पड़ा, अब क्या होगा? अब इंपोर्टर आएगा, वो भागते हुए आएगा. हाँ है ना? क्लियर? और वो बोलेगा ये वाला गुड्स, ये वाला गुड्स, ये वाला गुड्स, एक काम कर ये वाला गुड्स भी दे दो, है ना. तो सर वेरी गुड, ही विल फाइल सम डॉक्यूमेंट्स. वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट फाइल करेगा. सर क्लियर? बात समझे? अब उसका वेसल आता है तो सर ट्रांसपोर्ट वाले इंटीमेट करेंगे उसको, वो खुद भी ध्यान रखेगा गुड्स आया ही नहीं आया. क्लियर? आज आपने यहां से मान लो इंदौर कोई पार्सल भेजा तो ध्यान रखो ना कोई भेजा है. क्लियर? तो सर इस तरह से ध्यान रहता है, कस्टमर आके नहीं बताएंगे आपको. क्लियर? अब साहब वेसल आ गया.